हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडिया जॉब स्टेशन में। अगेन आपके सामने मैं खुशबू, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ और रिसेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लेके आने की, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देने की। भले ही हम कंटिन्यूसली वीडियोज़ नहीं ला पाते हैं आपके लिए, लेकिन कम्युनिटी में अक्सर हमारी पोस्ट होती है। और रीसेंट रिक्वायरमेंट अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ होती है सारी रीसेंट होती है। और आज इसी सीरीज़ में कुछ और रिक्वायरमेंट्स आपके लिए हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मुंबई की रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं मुंबई लोकेशन में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वैसे अगर आप रिक्वायरमेंट्स की तलाश में हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस फील्ड में रिक्वायरमेंट सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जानती हूँ, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग फायर हुए हैं, स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो विप्रो ने बहुत सारी फायरिंग की हुई है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत फायरिंग हुई है, बहुत सारी MNCs, आई थिंक रिलायंस में बहुत फायरिंग हुई है, एक्सेप्ट TCS। अगर हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा कंपनी को छोड़ के अगर मैक्सिमम MNCs में बहुत फायरिंग हुई है, बहुत मार्केट डाउन चल रहा है अभी, ज़्यादा जॉब्स नहीं है, कम जॉब्स हैं मार्केट में, तो अभी कंडीशन ये है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स फायरिंग हो रही है, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट भी चल रही है, रिक्वायरमेंट्स हैं जी हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, थोड़ी सी अभी कम रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम बात करते हैं TCS की, तो अगर आपने, आई एम श्योर आपने न्यूज़ पढ़ा ही होगा, उनका कहना है कि जिन लोगों को फायर किया है हमारा प्रेफरेंस, हमारा पहला प्रेफरेंस वही होंगे, हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम लोगों को जॉब देने की। तो कुछ कंपनियां लोगों को नौकरियों से निकाल रही है और कुछ कंपनियां लोगों को नौकरियों में ले रही है, रिक्रूटमेंट्स भी है। पर हाँ, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें फायरिंग एंड रिक्रूटमेंट में, न्यू रिक्रूटमेंट में, तो समवेयर अभी मार्केट डाउन है, जॉब्स कम ही है। तो कोशिश है, स्टिल निराश मत होइएगा, कोशिश हमारी पूरी है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लेके आएँ। और आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की आपको तलाश है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं खुद एक HR हूँ और मेरा प्रोफेशन HR है, मैं रिक्रूटमेंट में ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी रैंडम, या हम कोई भी रैंडम रिक्वायरमेंट यहाँ पे लेके आते हैं, बिल्कुल भी नहीं वेरीफाई करते हैं किसने पोस्ट किया है, ईमेल आईडी प्रॉपर चेक होता है, उसके बाद ही अब तक रिक्वायरमेंट लाई जाती है। शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग जॉब्स ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें ऑफ़र आ रहे हैं या एटलीस्ट उन्हें कॉल आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कैसे जॉब सर्च करना है लिंक्डइन के माध्यम से। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार चेक, ज़रूर इस वीडियो को चेक कीजिएगा। और मैक्सिमम टाइम मैं होटल्स के रिक्वायरमेंट्स लेके आती हूँ, रीज़न बहुत सारे होटल्स के फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं IT के रिक्वायरमेंट्स नहीं लाना चाह रही हूँ या कंस्ट्रक्शन के नहीं लाना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में जॉब्स की तलाश में हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आप किस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं, किस लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं। हमारी कोशिश पूरी की पूरी कोशिश होगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स लेके आने की। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखें, अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, समय ना गवाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ, मैं तो वेल सेटल्ड हूँ, नॉट और मुझे नहीं है इस जॉब की ज़रूरत, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनकी फैमिली सफ़र कर रही है, काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और बहुत एक जॉब ना होना बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी फैमिली होती है, किड्स के एजुकेशन, हाउस रेंट, सो मेनी थिंग्स देयर। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पर चाहिए, आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा क्लिक, एक छोटा सा शेयर किसी और की हेल्प कर पाएगा। बस यही एक छोटी सी हमें उम्मीद है आपसे, और स्पेशली इस टाइम पर जब लोगों की जॉब जा रही है, लोग फायर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, इस टाइम पे प्लीज़ लोगों को बताइए, नौकरियों की जानकारी दीजिए, है ना। चलिए, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मुंबई की रिक्वायरमेंट, होटल की ही रिक्वायरमेंट है, होटल का नाम है द ललित। सो वी एट द ललित मुंबई आर लुकिंग फॉर बिलो मेंशनड पोजिशंस, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड भी। तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की।
पहली रिक्वायरमेंट है ड्यूटी मैनेजर, सेकंड रिक्वायरमेंट है गेस्ट रिलेशन मैनेजर की, थर्ड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, फोर्थ रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल कंट्रोल सीए मैनेजरी है इसके लिए। नेक्स्ट है शेफ दे पार्टी बैकरी एंड पेस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, इसके बाद कॉमी वन बैकरी एंड पेस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एचआर एग्जीक्यूटिव पेरोल स्पेशलिस्ट में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जीएसए फ्रंट ऑफिस आईएचएम फ्रेशर, ये फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जीएसए हाउसकीपिंग आईएचएम फ्रेशर, ओके। नेक्स्ट है जीएसए एफएनबी, अगेन फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे भी। इसके बाद इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, तो देखा आपने काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट थी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्लीज़ शेयर देयर अपडेटेड रिज्यूमे विद फॉर्मल फोटोग्राफ। कैसे अप्लाई करना है, ईमेल आईडी आपके सामने है जो है surinder kumarkumar@thetalalit.com, ओके surinder.kumar@thetalalit.com। अच्छा, जब भी आप अपना सीवी शेयर करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर आप आईटी में भी हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन में भी हैं, अगर आप होटल में भी हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल में भी हैं, किसी भी फील्ड में, राइट, तो जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन या मेल बॉडी कभी भी खाली नहीं जानी चाहिए, उसमें प्लीज़ आप लिखिए आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। आई नो आपने सीवी अटैच किया है, उसमें सारी डिटेल्स है, आप ये कह सकते हैं कॉमेंट्स में या आप, बट ऐसा नहीं होता है, आपको लिखना होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आपका मेल आता है तो कोई भी बंदा सीधा अटैचमेंट नहीं खोलेगा, सामने जो ईमेल लिखा है ना उसे पढ़ता है। मैं खुद एक एचआर हूँ और मैं डेली, मुझे बहुत सारे सीवीज आते हैं, शायद यही रीज़न है कि मेरी कोशिश होती है आपको सही जानकारी देने की, सही टिप्स देने की, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसे कमेंट्स आए इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें मैंशन किया। सो आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ट्यूटोरियल एक्सपीरियंस, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका नोटिस पीरियड कितने दिनों में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेफर्ड लोकेशन, ठीक है। सीवी अटैच कीजिए, अपडेटेड सीवी होना चाहिए, साथ में एक अच्छी सी फ़ोटो होना चाहिए, और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट में लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम अगेन, और शेयर कर दीजिए अपना सीवी। इसके अलावा किसी और फील्ड, किसी और लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको बाय बाय कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से, हमारी कोशिश होगी आपके लिए सही रिक्वायरमेंट्स जल्द से जल्द आने की। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, बाय।